नववर्ष के आगमन पर क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इस अवसर पर क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के पादरी जेनक रास ने बताया कि नए वर्ष के आगमन पर चर्च द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की गई है, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि नए वर्ष के आगमन पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही उनका पूरा साल सुखमय व्यतीत हो, इसी उद्देश्य से भी चर्च द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो के जैसे एक तरफ सब लोग अपने अपने तरीके से 31 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और नए साल के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चर्च वालों को भी, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च को भी एक बार फिर मौका दिया है कि हम आज के दिन ऐसी एक प्रार्थना सभा करके और अपने नए साल के लिए आगमन के लिए स्वागत के लिए हम प्रार्थना कर सके और धन्यवाद दे, अच्छे नागरिक बन के जिएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, जिसके लिए परमेश्वर उनकी सृष्टि की है।